बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी ये वीडियो क्लिप देख रहा था थी और देखकर हंस इसलिए रहा था कि बहुत से बेवकूफ़ अफराद अभी इस जाल में फंसेंगे। पाकिस्तानी भी हैं जी, मैं आपके साथ यहाँ पर क्लिप शेयर करता हूँ, एक क्लिप भी आप देख लीजिएगा। पाकिस्तानी भी हैं, कपड़ों से अंदाज़ा हो जाता है यार, पाकिस्तानियों का दूर से पहचाने जाते हैं। बहरहाल कपड़ों के हिसाब से पाकिस्तानी भी हैं और ये भी वहीं पर घूम रखे हैं। इसी सिलसिले में, किस सिलसिले में, आपको पता ही, हज का पैकेज, लो पैकेज था जो इस वक्त इस साल का, वो भी 9000 प्लस में चला है। हालांकि पहले होता था 4-5 हज़ार, या ज़्यादा से ज़्यादा 6000 के अराउंड में परमिशन तसरी यानी कि हज की बन जाती थी, लेकिन इस साल हज का पैकेज जो नीचे वाला चला है वो 9000 में चला है, ठीक है जी, इससे प्लस में थे। अभी हो कुछ यूँ रहा है, मुख्तलिफ शहरों से ऐसा होगा जी, आप हज के लिए जाना चाहते हैं कि आप चोरी से जो बंदे जाना चाहते हैं, टैक्सी वाले आपको क्या बोलते हैं, आप क्लिप में सुन लें, मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको थोड़ा सा क्लिप सुना देता हूं, फिर आपको इसके मतलब कुछ डिटेल के साथ बता देता हूं जो कुछ कहा गया है। ودي جدة طيب من جدة أنا أركب سوا سيارة تاني ये तो क्लिप आपने सुन लिया, मैंने आपको थोड़ा सा सुना दिया। चलो आगे क्लिप चल रहा है, आगे चलता रहे, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। हो कुछ यूँ रहा है जी, ये रियाज शहर से वीडियो वायरल हुई है, किसी ने चोरी से कैमरे से बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाली और ये बंदे अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए होंगे। ये जो वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है, इनके चेहरे वगैरह ब्लर किए गए हैं, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर हम किसी का भी ऐसा चेहरा लगाएं, सऊदी मरूड खुद से भी इनके चेहरे नहीं लगाता है, यानी कि जब वीडियो शेयर करते हैं। हुआ कुछ यूँ जी, ये रियाज से वीडियो लिख हुई है और मक्का का, वह बोल रहा है कि मक्का जाना है, मैं लेके जाऊँगा मक्का में, 600 रियाल लूँगा। वो बोलता है जी कि अगर जद्दा में जाना हो, जद्दा मकात या जद्दा में ये ताइफ में, तो वो हो रहा है जी 200 रियाल लूँगा, यानी कि 200 रियाल लूँगा मैं, आपको ताइफ जाना ताइफ छोड़ दूँगा, मैं जद्दा जाना जद्दा छोड़ दूँगा। वहाँ से आपने मक्का जाना है, वहाँ से आपको आगे गाड़ी में मैं बैठाऊँगा, वो गाड़ी वाला आपको लेके जाएगा मक्का में, बाकायदा मक्का में छोड़ेगा। मक्का से मुराद ये है कि मस्जिद आयशा में छोड़ेगा, आप वहाँ से अहराम अपना खरीद कर बांध लेंगे, वहाँ पर छोड़ेगा और 400 रियाल वो लेगा, ठीक है जी। 600 रियाल में वो लेकर जा रहे हैं जी मक्का इस साल। तो ये वीडियो वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं आपको बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि खुदारा ऐसे किसी भी चुंगल में मत फंसिएगा। आपके ऊपर 10,000 रियाल से जायद या कम से कम 10,000 रियाल का फाइन होगा और आपको डीपोर्ट यानी कि जेल के थ्रू भी डीपोर्ट कर दिया जाएगा, ताहियात के लिए बैन कर दिया गया सऊदी अरेबिया में, और 10,000 रियाल जब तक आप पे नहीं करेंगे आपकी जान नहीं छूटेगी। ये भी आपको क्लियर कर दूं, तो ऐसे किसी भी बंदे के जंगल में मत फंसिएगा। बेहतर ये है कि परमिशन लेकर हज कर लें, अगर परमिशन वगैरह आपने नहीं बनाई है तो सब्र कर लें आने वाले टाइम के लिए, यानी कि आने वाले साल के लिए अपने पैसे बचा कर रखें, कुछ जमा करें, परमिशन लेकर जाइएगा एक अच्छा तरीका।